अपन पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की सीरीज में कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे। कार्बोनिल कंपाउंड्स में अपन देख रहे थे कि ये आपके क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। मेटल्स के साथ अगर कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ हो, मेटल के साथ अगर कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ हो, तो ये बॉन्ड स्पेशल होता है, क्योंकि ये स्पीसीज तभी बनती है जब आपके दो रूल को फॉलो करें। ये बता रहे थे दो रूल कौन कौन से हो गए आपके, ई ए एन रूल, एक तो आपके पास हो गया ई ए एन रूल, दूसरा हो गया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दो रूल्स को अगर कोई फॉलो करता है, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कोई भी क्या जिसमें कार्बोनिल समूह जुड़े हैं, वो कोई भी कार्बोनिल समूह जिसके अंदर ये दो रूल फॉलो हो रहे हैं, तभी आपके वो स्पीसीज बनती है, तभी उसका निर्माण होता है। ये कारण उसमें अपन देख रहे थे कि कार्बोनिल समूह होता है वो एक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, यानी एक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। लिगेंड की इसकी प्रकृति कैसी है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ये कौन सा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसके पास खाली पी कक्षक होते हैं, यानी पाई स्टार खाली होते हैं, इसीलिए क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है मेटल के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहता अपन स्पेशल हो गया आपके लिए कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। इसका एमो डायग्राम के द्वारा भी मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। अब देखिए इसमें ई एन रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। दोनों ही रूल क्या है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ई एन रूल किस तरीके से होता है और 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। दोनों सेम है क्या, इनमें केवल आपके ये है, ई एन का मतलब क्या है, आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया कि आपकी क्या से प्रभावी परमाणु नंबर होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। होता क्या है कि अगर अपन किसी भी कार्बोनिल समूह के टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स के किसके बराबर होने चाहिए, नोबल गैसेस के बराबर होने चाहिए, या आपके उत्कृष्ट धातुएं हो सकती है उनके बराबर होनी चाहिए। तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, नोबल गैसेस के बराबर होनी चाहिए, गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होने चाहिए। उसे ही अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि अपने पास जो भी नोबल गैसेस होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज़्यादा स्थाई माना जाता है, यानी कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है, वो क्या होती है, सबसे स्टेबल कॉन्फिग्रेशन मानी जाती है, सबसे स्थाई होती है। इनर्ट होते हैं या अकेले होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्थाई गैस होती है। ओके, तो अगर कोई अपने पास जैसे अपने पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के देखते हैं हर एक मॉलिक्यूल्स का या हर एक अपन स्पीसीज का निकाल के देखेंगे, तब अपने पास अगर नोबल गैसेस के बराबर आ रहा है, मतलब क्या हो गया, वो आपके एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स को फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, वो स्थाई है। जैसे सबसे पहले अपने को नंबर याद करने के लिए भाईतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। जो मेटल होगा वो आपका डी ब्लॉक का होगा, है ना, मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, यूरेनियम। ये है, ये अपना क्या हो गया, डी वन का है, इसमें एस टू इलेक्ट्रॉन है, डी टू का है, थ्री डी का है, या फोर एस का हो गया, थ्री डी की बात हो रही है। ओके, थ्री डी सीरीज के हैं, थ्री डी, डी टू, फोर, एस टू, ये को क्या हो गया इसका, या डायरेक्ट लिख देते हैं, डी थ्री का हो गया, डी फोर का हो गया, डी फाइव का हो गया, ये डी सिक्स का हो गया, डी सेवन, डी एट, डी नाइन और डी टेन। एस में सबके दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसका एल्ना
वाई इसमें मेथेनम की सीरीज तक तीन तीन रहेंगे, इसमें भी कितने हो गए आपके दो हैं, चार हो गए हाइड्रोजन में, इसमें आपके पांच हो गए, इसमें आपके छह हो गए, इसमें सात हो जाएंगे, इसमें आठ हो जाएंगे, इसमें नौ हो जाएंगे, और इसमें दस हो जाएंगे, और इसमें ग्यारह हो जाएंगे आपके, और इसमें आपके बारह इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बाह्यतम कक्ष की इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इस तरीके से अपने को याद रखना है कि अपने पास स्केडियम में तीन बाह्यतम कक्ष है, टाइटेनियम में फोर है, वैनेडियम में पाँच है, क्रोमियम में छः है, मैंगनीज में सेवन इलेक्ट्रॉन है, फेरस में आठ है, और आपके कोबाल्ट के अंदर नौ है, और निकिल के अंदर आपके दस है, कॉपर के अंदर ग्यारह, और जिंक के अंदर आपके बारह इलेक्ट्रॉन्स है। वो याद रखने हैं आपको, पहले सबसे पहले ये काम करना है। फिर आपको क्या करना है कि लिगेंड्स की प्रॉपर्टी देखनी है। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी में भी लगाया जाता है तो उसमें लिगेंड्स की प्रॉपर्टी भी आपको देखनी होगी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये नहीं कि आपके कार्बोनिल समूह है उनमें लग सकता है, हाँ उनको तो फॉलो करेगा, साथ में उन स्पीसीज को भी फॉलो कर सकता है। जैसे अपने पास है FeCO6 है ना, FeCO6 है, इसमें अपने को दिखाना है कि EM रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फेरस कितने पर आ रहा था अपने पास, स्केडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फेरस, यानी कि D6 3D6 4H का है, मतलब कितना बार, छः सात आठ इलेक्ट्रॉन इसमें बाह्यतम कक्ष में पाए जाते हैं। एक कोबाल्ट, अब आपको ये पता है कि जो भी कोबाल्ट होता है वो उदासीन लिगेंड होता है, यानी कि आपके पास एक तो था NH3 PS3 CO, ये मोस्टली लिगेंड्स क्या होते हैं आपके, उदासीन होते हैं, है ना, उदासीन लिगेंड होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, PS3 के अंदर एक लोन पेयर वो कर सकता है, NH3 के अंदर एक लोन पेयर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो याद रखना, AN पूल में अपने को देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो याद रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इनका जीरो मानते हैं कंट्रीब्यूशन, लेकिन जब EAN रूल देखना है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके साथ। तो एफ क्या हो गया, एट इलेक्ट्रॉन प्लस एक कोबाल्ट आपके दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो छः कितने हम देंगे, तो अपने को फिर से समझेंगे, एट प्लस बारह कितने हो गया, प्लस ये दो, मतलब कि ये क्या हो गया, ये किसका विन्यास हो गया आपके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत उसका तो है नहीं अपने पास है, इनमें इसका 10 है, इसका 4 क्रोमिशन है, इसका 36 है, इसका 14 है, ये है, बट ये किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि आपके पास EM रूल में इसमें 20 नंबर आते हैं, मतलब कि आपकी स्पीसीज नहीं बन सकती है। अगर यहाँ 2 प्लस लगा दें तो 2 प्लस का मतलब क्या हो गया आपके पास, D8 का तो है ही कॉम्प्लेक्स, यानी कि D8 तो टोटल इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं निकाल सकते इसकी, तब भी ये आपको परमिशन नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी ही नहीं है, अपने को देखना है डायरेक्ट टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, अगर 2 लगा दिया तब आपको ये नहीं करना है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, 6 हो गए, अब इस रूल को फॉलो करना है, यहाँ ये नहीं करना है। यहाँ क्या होगा, अगर अपन क्या करें, डी यहाँ 6 नहीं बन सकता, 5 कर सकते हैं, या कोबाल्ट 5 किया, कोबाल्ट 5 भर दिया तो इसमें कितना हो गया, D8 का कॉम्प्लेक्स है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, कोबाल्ट कितने के 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके हो गए 5 × 2, क्योंकि 2 × 5 5 है कोबाल्ट समूह, तो 2 × 5 किया तो 8 × + 18 हो गए, 10 हो गए, ये कितने हो गए, 18 किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक मास क्रिप्टॉन का होता है, क्रिप्टॉन का होता है, तो ये क्या हो गया आपके, मतलब इसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स को फॉलो किया है, ये विन्यास इसका कर लिया, अब आपके ये हो गया आखिर ये गैसों का विन्यास प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट एग्जांपल MnCO4+5 देखते हैं, अपने को स्टेबिलिटी चेक करना है कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, तो MnCO मैंगनीज कितना है, D7 का है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे तो क्या होता है, 3D5 4H2 होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5 6
कार्बोनिल समूह आपके दो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, तो आपके पांच कितने होंगे, दस करेंगे तो दस कितने होंगे, सत्रह, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है ना, ये स्पीसीज आपकी क्या हो गई, अनस्टेबल बन गई, अनस्टेबल हो गई। जो आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स को या 18 इलेक्ट्रॉन्स उनको फॉलो करती है कोई भी स्पीसीज, वो स्थाई होती है, अगर नहीं करती है तो अनस्टेबल हो गई। अगर इसमें क्या किया जा सकता है, एवन टू सीओ टेन कर दे, अगर ये इस तरीके से इसका डाइवर हो जाए, एमएन टू सीओ टेन कर दे, अब देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है। एक अपने पास है कि एमएन कितने का करता है, दो इलेक्ट्रॉन, सेवन का करता है, तो दो कितने होंगे, सेवन प्लस सेवन टेन, तो टू से यानी अपने पास दो, एक कार्बोनिल समूह दो का करता है तो दस हो गए। अब यहाँ अपने पास कितना प्लस 20 कितने हो गए, 43, 34 हो गए, 34 अपना होता नहीं है किसी का भी नोबल गैसेस का विन्यास, तो इसमें क्या हो रहा है, जो Mn और Mn के बीच में बॉन्ड है वो भी तो कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन और होता है Mn के मैग्नीशियम बॉन्ड्स के, है ना, सॉरी मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बॉन्ड्स का, मैग्नीज मैग्नीज के बॉन्ड का, ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट और होंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, मतलब ये EAL रूल को फॉलो कर रहा है, ये आपकी स्पीसीज स्थाई होती है, बनती है, ओके। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और निकिल CO4 है, इसका देखते हैं निकिल का करना है, स्केलर पैकेट इलेक्ट्रॉन में मैंने स्टेट्स कवर निकिल, यानी कि कितने हो गए आपके, 8, 9, 10, 11 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, 4, 4 ये 2, 11 प्लस 8 कितने हो गए, 10 का करेगा, निकिल 10 का करेगा तो ये हो गए आपके 18 का, ओके। तो ये भी क्या है आपके EAL रूल को फॉलो कर रहा है, 18 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्रिप्टोन का, क्रिप्टोन का मतलब क्या हो गया, ये आपके EAL रूल को फॉलो कर रहा है, ओके, समझ गए। इस तरीके से अपने को EAL रूल देखना, देखना क्या है अपने को, जैसे बाह्यतम कक्ष का जो मेटल होगा EAL रूल का अगर फॉर्मूला लिखिए तो क्या हो जाएगा, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स है ना, आउटर शेष इलेक्ट्रॉन्स प्लस कितने लिगेंड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, यानी कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो देखना है, तो देखना है लिगेंड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, लिगेंड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है वो देखना, ओके, हो गया EAL रूल। EAL रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई स्पीसीज का टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखे जाए वो किसके बराबर हो जाए, वो अगर आपके किसी भी नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो जाते हैं या उनके परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाते हैं तो वो स्पीसीज आपकी स्थाई रहती है, अदरवाइज आपकी अनस्टेबल मानी जाती है। 18 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भी सेम ही है, लेकिन 18 का मतलब ही क्या हो गया आपके, अगर जिस स्पीसीज के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब होगा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास, तभी आपकी वो क्या होगी, स्पीसीज क्या होगी, किसी भी आपके पास, यानी कि वो स्पीसीज आपकी स्थाई होगी, यानी कि उसकी अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 के बराबर हो जाते हैं तो वो आपकी स्थाई होती है, ओके। जैसे अब इसमें क्या कहना है, या तो 18 के बराबर हो सकती है या आपके हो सकती है कि किसी भी का निकाल अगर नोबल गैसेस के बराबर भी मान सकते हैं उसे, है ना। एक तो ये होता है आपके रूल, एक होता है 16 इलेक्ट्रॉन रूल, दोनों ही स्टेबल होते हैं, इनके अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो तब भी स्थाई मानी जाएंगे, अगर 16 हो तब भी स्थाई मानी जाएंगे, बीच में अगर आपके 17-19 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो आपके अस्थाई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि वो फॉर्मेशन नहीं होता, वो आपके क्या रहना चाहिए, फिर 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे शायद आपको जो विल्किंसन रिएजेंट करवाया था, विल्किंसन रिएजेंट में अपन देख रहे थे उसकी, तो उसमें भी आपको बताया गया था कि किस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, MnCO7 हो जाएगा,
होगा। ये हो गया और CO9 हो गया। ये तीन स्पीसीज का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सॉरी एटीन इलेक्ट्रॉन रूल देखेंगे। एटीन इलेक्ट्रॉन रूल क्या हो गया, मेटल्स के आउटसोल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लिगेंड के अगर अपन ये ना लेकर ये करते जैसे MN या कॉपर H2O6Cl2 ये स्पीसीज बना लिया अपन, बना सकते हैं। अब इसका देखते हैं क्योंकि अपन कार्बोनिल पढ़ रहे हैं, तो पहले कार्बोनिल का देखते हैं। मैंगनीज के कितने पास है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 प्लस कोबाल्ट कितने हैं आपके 5 है, 5 कितने रहेंगे, 2 एक कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 5 कितने हो जाएंगे 10, तो कितना हो गया आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब ये इसमें होती है अस्थाई होती है। नेक्स्ट है आपके पास प्लेटिनम है, कौन सी में आता है, नहीं पढ़ोगे तो इसमें भी कितने होंगे आपके 10 ही रहेंगे, तो 10 प्लस 6 देखो वाटर आपका किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक लोन पेयर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी क्या करेगा, दो ही कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, दो करेगा तो ये दो लगा रहे हैं। अब कितने हो गए 10 प्लस 12, तो किसके बराबर 2, यानी कि ये भी आपकी स्पीसीज में ही पाई जाती है, अस्थाई होती है। नेक्स्ट है Fe2CO बोल रहा है, Fe2 के अंदर जो फेरस होता है, एक फेरस कितने करता है आपके 8, तो 8 प्लस 8 प्लस 9 2 9 और प्लस 2, क्योंकि Fe के बीच में बॉन्ड पाई जाएगा, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, टोटल कितने हो गए 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 2, इतने में 20 20 28 28 8 36, टोटल हो गया आपके 36, मतलब ये क्या कर रहा है आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 36 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एक का निकालेंगे तो 18 ही होगा, अगर एक एफ इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं इसमें तो क्या करना होगा, 36 में 2 का भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर H2O वर्ल्ड वाइज, यहाँ फोर करते हैं क्योंकि ये कॉपर एड मान रहे हैं, है ना, तो कॉपर कितना हो गया 11 हो गए, 11 कॉपर करता है क्योंकि किसका है 3D9 का है 4S2, तो 11 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, वाटर कितना 2 कर रहा है तो 4 लिखने के लिए 8 करेंगे, तो डायरेक्ट 8 लिखते हैं। क्लोरीन आपका कितना कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, 2 कितने करेंगे 2 करेंगे, तो कितना हो गया 10 10 11 1 2 21, मतलब ये भी आपका मिट्टी मनी का अस्थाई कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मेशन तो होता है लेकिन अस्थाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरीके से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है ईएन